आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हमने शुद्ध और अशुद्ध पदार्थों के बारे में अध्ययन किया। आइए इस वीडियो में हम मिश्रण और मिश्रण के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। हम सभी को समुद्र किनारे टहलने में बहुत सुकून प्राप्त होता है। आइए हम समुद्र के पानी के साथ एक प्रयोग करें। चलिए हम एक बीकर में थोड़ा समुद्र का पानी लें और इसे एक बर्नर की सहायता से गर्म करना शुरू करें। आप क्या देखते हैं? बिल्कुल ठीक। वाष्पीकरण के कारण समुद्र के पानी में घुला सोडियम क्लोराइड जल से पृथक हो जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि समुद्र का पानी सोडियम क्लोराइड और जल से मिलकर बनता है। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक पदार्थ है और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता, समुद्र के पानी जैसे पदार्थ जो एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बनते हैं मिश्रण मिक्सचर कहलाते हैं। दोस्तों, क्या मिश्रण केवल तरल पदार्थ होते हैं? सोचिए। चूंकि शुद्ध तत्व ठोस, तरल या गैसीय इनमें से किसी भी अवस्था में पाए जा सकते हैं, मिश्रण भी इनमें से किसी भी अवस्था में पाए जा सकते हैं। उदाहरणतः वायु एक मिश्रण है, क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के शुद्ध तत्व और यौगिकों जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि को मिलाकर बनता है। दोस्तों, समुद्र का पानी और वायु दोनों मिश्रण हैं, लेकिन क्या उनके अभिलक्षणिक गुण एक समान हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये अलग अलग अवयवों को मिलाकर बनते हैं। अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। आइए अब हम मिश्रणों के प्रकारों पर चर्चा करें। इसके बारे में हम एक प्रयोग द्वारा जानेंगे। अपने तीन दोस्तों को इस प्रयोग के लिए इकट्ठा करें। अब चार बीकर में 50 ml जल लें। मान लीजिए इन चार बीकर को हम ए, बी, सी और डी नाम देते हैं। अब आप ए बीकर में एक चम्मच चीनी घोलें। आपके दोस्त को बी बीकर में तीन चम्मच चीनी घोलने को कहें। अब तीसरे दोस्त को बीकर सी में एक चम्मच तेल घोलने को कहें और अंत में चौथे दोस्त को बीकर डी में एक चम्मच सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन घोलने को कहें। अब इन सभी बीकर के मिश्रणों के बनावट पर गौर करें। आइए पहले हम बीकर ए और बीकर बी के मिश्रणों को देखें। आपको क्या नजर आता है? क्या ए और बी मिश्रणों की बनावट समान है? जी हाँ, इस तरह के मिश्रण जिनकी बनावट समान होती है समांगी मिश्रण होमोजीनियस मिक्सचर या विलयन सॉल्यूशन कहलाते हैं। मिश्रण ए और बी दोनों समांगी मिश्रण हैं, जो समान अवयवों से बने हैं, परंतु यदि हम बीकर ए और बी के मिश्रणों की मिठास की तीव्रता को देखें तो पाएंगे कि ये पृथक पृथक हैं। इसके परिणाम स्वरूप हम देख सकते हैं कि समांगी मिश्रण पृथक पृथक संगठन रख सकते हैं। अब बीकर सी और डी के मिश्रणों को देखें। क्या इन मिश्रणों की बनावट समान है? सी और डी बीकर में प्राप्त मिश्रणों के अंश भौतिक दृष्टि से पृथक हैं। इस तरह के मिश्रण जिनके अंश भौतिक रूप से पृथक हैं
विषमांगी मिश्रण हेटरोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं। क्या आप कुछ और विषमांगी मिश्रणों के उदाहरण सोच सकते हैं? कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट एवं जल, नमक और सल्फर एवं जल, ये विषमांगी मिश्रणों के कुछ उदाहरण हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने मिश्रण और मिश्रणों के प्रकार मिक्सचर एंड टाइप्स ऑफ मिक्सचर का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम विलयन, निलंबन और कोलाइड क्या होते हैं इसका अध्ययन करेंगे।